माया नगरी है। कहा जाता है कि मुंबई की श्याम रात को ही बनती है, लेकिन एक श्याम ऐसी आई जो 15 लोगों की मौत का कारण बनी। आपको बता दें, मुंबई के लंदन टैक्सी बार में लगी आग ने 15 लोगों को अपनी आग में समेट लिया। अब हम आपको ले चलते हैं अंधेरी के लिंक रोड पर। काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिस पर बीएमसी ने अपनी तोड़क कार्रवाई शुरू की। आप सामने देख सकते हैं, कुछ रेस्टोरों तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही अपने रेस्टोरों को तोड़कर अपना सामान बचाया। अगर बीएमसी या सरकार पहले ही अगर ये कार्रवाई कर लेती, शायद 15 लोगों की जान नहीं जाती। बात करें 31 दिसंबर की रात की, मुंबई में 31 दिसंबर की शाम एक अलग ही जश्न होता है। मुंबई के दूर दूर से लोग मुंबई में पहुंचते हैं, पार्टी मनाते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट का ये हाल है। कुछ लोग इसको लेकर काफी नाराज हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। रेस्टोरेंट पर बीएमसी की नकेल कसती जा रही है। क्या इनको देखकर आप कह सकते हैं कि आज 31 की नाइट है? 31 की नाइट को शायद सभी रेस्टोरेंट में काफी भीड़ रहती है, लेकिन बीएमसी की तोड़क कार्रवाई जब यहां पहुंचती है तो अपना सामान अंदर रख लिया जाता है, बाद में फिर इसको वापस उसी पोजीशन में बाहर रख लिया जाता है। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कहा जाता है कि मुंबई में मुंबई की श्याम एक अलग श्याम होती है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, किस तरह ये तोड़ा हुआ सामान आप देख सकते हैं रोड के किनारे रखा हुआ है। लेकिन इन ये सब चीज़ों पर अगर पहले कोशिश की जाती, शायद 15 लोगों की जान नहीं जा सकती थी। मुंबई में काफी अवैध रेस्टोरेंट बार हैं, क्या बीएमसी को इनके बारे में नहीं मालूम था? अब देखना यह है कि ये रेस्टोरेंट गवर्नमेंट बंद करा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखिए किस तरह रेस्टोरेंट के मालिक अपना सामान बचाने के लिए उसे नया रूप दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब बीएमसी की नाक के नीचे हो रहा है? क्या बीएमसी को मालूम नहीं था अगर कोई हादसा घटता है उसके ठीक 2-3 घंटे के बाद ये कार्रवाई की जाती है? टाइम के चलते अगर ये सब कर लिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बीएनबी न्यूज़ की खास रिपोर्ट।